होटल संचालक ने रीट अभ्यर्थी से लिए 2500 रुपये, जिला कलेक्टर ने करवाए वापस। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल का आज शनिवार को एक मानवीय चेहरा भी सामने आया है। मामला यूं है कि जिला कलेक्टर रीट परीक्षा की तैयारियों एवं विभिन्न स्थानों पर ठहर रहे परीक्षार्थियों के ठहरने और खाने की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए आज शनिवार को धौलपुर शहर के दौरे पर निकले। इस दौरान दौरा करते हुए वह अग्रवाल धर्मशाला धौलपुर पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश से आए एक अभ्यर्थी ने जिला कलेक्टर को बताया कि रात को वह ट्रेन से रेलवे स्टेशन धौलपुर पर उतरा था, जहां रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक निजी होटल संचालक ने उसको 2500 रुपये लिए। उसने बताया कि रात को उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ऐसे में कहाँ जाता, इसलिए उसने होटल में रूम लिया और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए होटल संचालक ने 2500 रुपये लिए। इस पर जिला कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया और होटल संचालक को तुरंत अग्रवाल धर्मशाला धौलपुर में ही बुलवाया, जहां उन्होंने होटल संचालक को फटकार लगाई और रीट अभ्यर्थी के 500 रुपये काट कर बाकी के 2000 रुपये वापस करने के निर्देश दिए। अभ्यर्थी ने बताया कि रात के समय वह करीब 10 बजे आया था और सुबह करीब 7 बजे उसने कमरा खाली कर दिया। इसके बाद वह अग्रवाल धर्मशाला धौलपुर में ठहरा हुआ है। वहीं जिला कलेक्टर ने धौलपुर जिले के सभी होटल संचालकों से अपील करते हुए कहा कि रीट परीक्षा के इस मौके को बिजनेस का मौका ना समझकर इसको मानवीय सेवा का मौका समझें। आप रीट अभ्यर्थियों को सस्ते पैसों में होटल का कमरा बुक कराएं। यदि आप बुक नहीं करा सकते तो जो भी रीट अभ्यर्थी होटल में कमरा लेने पहुंच रहे हैं उन्हें उन स्थानों के बारे में बताएं जो जिला प्रशासन एवं भामाशाहों के सहयोग से बनाए गए हैं, जहां पर रीट अभ्यर्थियों को रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने प्रधान कॉम्प्लेक्स सैपुर रोड स्थित निजी मैरिज होम सहित धौलपुर शहर में विभिन्न जगह दौरा किया। इसके अलावा रेलवे स्टेशन धौलपुर पर भी उन्होंने दौरा किया, जहां रणछोड़ धाम विकास समिति के पदाधिकारियों से बातचीत की, जिन्होंने जिला कलेक्टर को एक सुझाव दिया कि जो अभ्यर्थी रीट परीक्षा देने आ रहे हैं स्वयं वह रीट परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर निकल जाएंगे, लेकिन जब पहली शिफ्ट खत्म होगी तो उसके बाद कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दूसरी शिफ्ट में ही परीक्षा देंगे, ऐसे में उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। इस पर जिला कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत तहसीलदार भगवत सिंह त्यागी को ये आदेश दिए कि जो लोग ठहरने के स्थान के नज़दीक जिनका परीक्षा केंद्र है उन्हें तो वहीं भोजन की व्यवस्था कराई जाए और जो लोग दूर हैं उनके लिए भोजन के पैकेट तैयार कराए जाएँ, ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। सर बताएं सर, रेट की व्यवस्थाओं के लिए आज अपने भ्रमण किया है, बच्चों के रहने ढहने खाने की बड़ी उत्तम व्यवस्थाएं की हैं। आज हम अग्रवाल धर्मशाला में आए, अग्रवाल समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। इसके अलावा अन्य समाज के जो व्यक्ति हैं प्रधान कॉम्प्लेक्स में गए, उधर गुजर समाज, उधर दूसरे त्यागी समाज, अन्य जो समाज हैं। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही है कि सब सर्व समाज के लोगों के लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं। सब ने दिल खोल कर व्यवस्था की, खाने के अच्छे प्रबंध किए हैं। बच्चों से जिनसे बात हुई है उन्होंने भी, उत्तर प्रदेश बिहार के दूरस्थ के और पंजाब हरियाणा के लोग बच्चे भी आए हैं, व्यवस्थाओं की तारीफ की है। हमारा ये प्रयास है कि ना केवल उनके ठहरने खाने की व्यवस्था की जाए, बल्कि हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उनके परिवहन के लिए कुछ इंतजाम किए जाएँ। जो बच्चे आज की तारीख में बाहर से आएंगे उनके ठहरने खाने की व्यवस्था है, लेकिन जो बच्चे आज की तारीख में राजागेड़ा बाड़ी फैसिलिटी के अपने केंद्रों पर जाएंगे उन केंद्रों पर भी हमने ठहरने खाने के व्यापक प्रबंध किए हैं। शुरू कल सुबह से आज तक करीब 125 गाड़ियों के माध्यम से 10,000 से ऊपर बच्चों का परिवहन हम लोग कर चुके हैं और अभी भी हमारे पास 100 के आसपास गाड़ी हैं। आज की तारीख में हम शाम तक करीब 7,000-8,000 लोगों का प्रबंध करने की क्षमता है हमारी, जिनको कि हम जयपुर पहुंचा सकेंगे, उनके केंद्रों तक पहुंचा सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का व्यापक जन सहयोग हमको मिला है सामाजिक संगठनों का, जनता का, वो हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है और उसके माध्यम से इन व्यवस्थाओं को हम कर पाएँ। धन्यवाद सर। जैसा कि ये रीट परीक्षा का जो मौका है, इसको जो होटल व्यवसायी है इसको मौके के रूप में ले रहे हैं, परीक्षार्थी मोटी फीस मतलब ठहरने की जो चार्ज है वसूल रहे हैं, इसको लेके कोई रास्ता निकाला हो? मैं अभी आज यहाँ बैठा हुआ था, एक बच्चा बाहर का था, उसने बताया कि एक स्टेशन के सामने होटल है, उसे ठहरने के लिए 2500 रुपये लिया गया। मैंने होटल संचालक को बुलाया, उनसे मैंने आग्रह किया, बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास आय का कोई साधन भी नहीं है और ऐसी स्थिति में जब सरकार निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था कर रही है तो उनको बता देना चाहिए थे कि भाई आप उन स्थानों पर चले जाएं। खैर उन्होंने सहमति दी, शहर सहमति दी कि पैसा वो रिफंड कर रहे हैं, टोकन अमाउंट उन्होंने इसके लिए चार्ज किया।
मैं उम्मीद करता हूँ कि और होटल व्यवसायी से भी अपील करता हूँ कि बच्चे जो आ रहे हैं हमारे बच्चे हैं और उनको एक ग्राहक की दृष्टि से ना देखा जाए, व्यावसायिक अवसर के रूप में ना देखा जाए, बल्कि एक समाज सेवा के रूप में देखें कि इस अवसर पर हम उनको अपनी सेवाएं यथासंभव निःशुल्क करें। अगर वो अपने होटल में नहीं दे सकते तो जो हमारे अन्य ठहराव स्थल पर उनको रेफर करें।